सो सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा के ब्लॉग्स यू ऑल आर डूइंग ग्रेट ये है 1 अक्टूबर नहीं सॉरी 1 नवंबर का वीडियो और यहां मैं मेहंदी लगा रही हूं करवा चौथ के दिन पहले और मैं काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा लेती हूं मेरे हजब तो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तुमने तो क्यों लगा लिया शाम को मैं लगवा लूँगा क्योंकि रक्षा बंधन ने भी वो लगवा लाए था तो उनको बहुत शौक है लेकिन मैं इतनी बड़ी फूल तो नहीं हूं बेवकूफ़ भी नहीं हूं क्योंकि मुझे इतनी सुंदर मेहंदी खुद लगवानी आती है तो मैं खुद लगा सकती हूं अब मेरे को इतना टैलेंट है और मेरे पागल बनती सवार नहीं है कि मेरे को जिसको नहीं आता वो तो बकवास करेगा ही लेकिन जिसको आता है वो तो खुद लगाएगा ना और मेरे पास बंदे भी हैं लगाने वाले तो मैं उनको बताती जाती हूँ वो मेरे लगाते जाते हैं तो यहां पे मैं अपना टैलेंट दिखा रही हूं और कुछ नहीं जैसी मेहंदी मैंने खुद लगाई है और लगवाई है उसके ज़्यादा पैसे नहीं थे सिर्फ दो हज़ार रुपए थे लेकिन मेरे लिए ले तो मैंने नहीं लगता है हजार पाँच सौ लेकिन हाँ मेरे पास जब टैलेंट है मैं इतनी सुंदर मेहंदी खुद लगा लेती हूँ तो मैं बाहर क्यों लगवाने जाऊँ और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ औरों की तरह और जिसको नहीं आता है तो वो बकवास तो कर ही सकता है क्योंकि ना उसको लगाने वाला है उसके पास और ना उसको खुद लगाने आता है तो बकवास करने में कुछ नहीं जाता है लोगों का ऐसे लोग बकवास करते हैं कि हम महंदी नहीं हाँ मेरे पास ये है कि मैं मेहंदी खुद इतनी सुंदर लगा लेती हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत उनको है जिनको कुछ नहीं आता और मैं पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट हूँ मेरे माँ बाप ने मुझे हर चीज सिखाया है तो मैंने खुद लगाई है देख लीजिए कितनी प्यारी मेहंदी मैंने लगाई है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो वगैरह बनाया मैंने अपने हस्बैंड से कहा पीसीआर यार बना दो तो दो तीन वीडियो मेरे हस्बैंड ने बनाए थे बाकी मेरी पूर्वी ने बनाया था फिर ये गुस्सा कर रहे थे क्योंकि मुझे मार्केट जाना था तो ये मेरे से बोले तुमने मेहंदी लगा ली है मैं बाहर से लगवा देता देते उधर से मार्केट चलते उधर से लगवा लेती लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे मार्केट में नहीं जाऊँगी तुम सामान ले आओ मैं लिखवा दे रही हूँ और मुझे खुद लगानी आती है तो मैं इतनी बड़ी वाली हरकत क्यों करूँ मैं बेवकूफ नहीं हूँ सबकी तरह कि मैं बाहर जाऊँ बेकूफिया दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने मेहंदी खुद लगाई और मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है सबको पता है क्योंकि मैं राखी में जब लगवा के आई थी रक्षाबंधन में तो सबने लोगों ने बोला यहाँ पे अरे यार तुमको खुद इतनी अच्छी जान भी लगानी आती है तो तुम बाहर क्यों गई तो मैंने कहा मेरे पति शौक लगा बाहर लगवाने का बोले सबसे अच्छी मंदिर लगाना पैसे की टेंशन मत लेना तो चिल्ला रहे थे मेरे पास कह रहे के क्या मैं 1500 पंद्रह की तुम्हें मंदिर ना लगवा तो मैंने इतनी सारी चीजें कर दी हैं तो तो बस यही रीज़न था मैं खुद अच्छी लगा लेती हूँ मुझे कोई जरूरत नहीं कहीं जाके लगाने की और मेरे पास बंदे भी हैं और मुझे खुद भी आता है मैं लड़कियों को बताती आती हूँ और वो मेरे लगाती जाती है तो मेरे अंदर ये टैलेंट है तो मैं लगा सकती हूँ मैं इतनी बड़ी फूल नहीं बनना चाहती दुनिया के सामने कि पढ़ लिख के गवर बने इंसान पढ़ा लिखा इंसान है अपने हाथ से भी कुछ करना चाहिए दूसरों को डिपेंड नहीं रहना चाहिए और मैं कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती हूँ और फिर उसी दिन मेरा रात को आठ बजे पार्सल आ गया था करवा चौथ चौके दिन पहले मैंने कुछ सामान मंगाया था और इसमें शायद एक वीडियो मेरा मिस हो गया होगा मैंने एक ज्वेलरी मंगवाई थी उसमें पर्ल में और स्टोन में थी थोड़ा सा मैंने करना भी है करवा चौथ को तो मेरा ये पार्सल आया था और फिर यहाँ पे मैंने करवा कहा कि थाली भी रेडी कर ली थी दो दिन पहले ही थाली जो मेरी चलनी है वो खंडित हो गई थी तो मैंने दूसरी मंगवा ली थी तो वो भी मैंने बोला था तो तुम प्लेन लेना मैं 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 मूद से डालूंगी लेकिन बनी बनाया लिया करके इतना टाइम लगा थाली भी ला रहे थे लेकिन मैंने मना कर दिया और रेडी बिछिया तो बिछिया भी इन्होंने मुझे टेली से दिलवाया है मेरी साढ़े ग्यारह सौ की बिछिया थी और बिछिया मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी भी नहीं पसंद है मेरे हस्बैंड की चॉइस थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने करवा चौथा था लेकिन मॉर्निंग में इसको पहन लिया था तो पहन के मैंने वीडियो बनाया था ये देखिए मैंने वीडियो बनाया इसमें पिंक कलर के स्टोन्स लगे हुए फ्लावर है ये पूरा फ्लावर पैटर्न बना है तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में बिछिया पहन लिया था तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी ये बिछिया लेकिन इनकी चॉइस थी तो मैं कुछ नहीं बोली जो मैं ले रही थी तो इनको अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं तुम्हारी पसंद की भी पहन लेती हूँ फिर आती हूँ मैं ड्रेस पे तो ड्रेस जो था ये मेरा लहंगा सूट था और ये मेरी नहीं मेरे हस्बैंड की चॉइस थी ये भी इन्हीं की चॉइस मैंने इतनी साड़ी लेने लेकिन इनको ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया। तो, तो ये मेरे से बोले स्टैचू पहनता, था मेरे से बोले चलो जाओ ट्राई करो तो मैं चेंजिंग रूम में गई मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए भी था लुक लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि शायद मुझे वैसा लुक जैसा चाहिए वो मुझे सब परफेक्ट सामान मिल जाएगा लेकिन लकड़ी मेरी किस्मत अच्छी थी तो मुझे मिल गया और मेरे हस्बैंड ना दुनिया हर लखनऊ का कोना कोना ढूंढ देते हैं। अगर मैं बोल दूँ कि मुझे इस चीज़ को क्रिएट करना है या मुझे ऐसा कुछ पहनना तो ये देखिए ये मेरा बिल है और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड की आती बारी वीडियो बनाने की तो यहाँ पे ये वीडियो बना रहे थे और यहाँ पर सेंडो चढ़ाते हुए मेरा कुछ आ गिर गया मेरा तीन बार कुछ आ गए ये यहाँ पर सब लोग बोले अच्छा होता है तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ ये सब नेचुरल चीज़ें हैं तो मैं क्या बिलीव करूँ और यहाँ मेरा दिया भी बुझ गया था चारों बत्ती जो थी वो आपस में जलने लगी थी क्योंकि ये चौथे गणित की पूजा होती है चौथ माता की पूजा होती है तो इसमें चार बत्ती जलती है सात सीखे लगती है लेकिन मेरी बत्ती जलने लगी तो आंटी बोली कि जानवी तुम चारों बत्ती को एक में करके भी जला सकती हो है तो वो चार ही तो मैंने चारों को एक में करके जला के फिर मैं आठ देने जा रही थी इससे पहले मैं अक्षत डाल रही थी चंद्रमा को तो अंजलि बोली दीदी मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहा है तो मैंने कहा चक्कर मुझे भी आ रहा है लेकिन धीरे धीरे घूम लेना क्योंकि घूमने में चक्कर आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग मतलब चंद्रमा को अक्षत डाल रहे थे और पूजा वगैरह किया था हवन वगैरह किया था और काफ़ी विधि पूर्वक पूजा होती है करवा चाहती है नहीं कि सिर्फ करवा रख दिया और बस बैठ के पूजा कर लिया ऐसा कुछ नहीं है और जो हस्बैंड होते हैं यहाँ मैं नथ पहने हूँ नथ जरूरी होता है पहनना सोने का हम कुछ होना चाहिए नाक में लेकिन जो मैं नोज पिन वगैरह पहनती हूँ छोटी होती है तो उसमें लट और पीली और आटे के चावल की गोली सभी इकट्ठा नहीं छू सकती तो इसलिए हम लोग नथ पहनते हैं और लोग पहनते हैं और मैं दूसरों की मांग के फोटो भी नहीं खिंचाती मैं फोटो खिंचाने के लिए दूसरों की मांग के पहन लू या मम्मी पहन लू भाभी पहन पहू बहन के पहन लू मैं किसी का नहीं पहनती मैं अपना खुद पहनती हूँ करवा चाहता है भाई अपना खुद का सुहाग का सामान पहनना चाहिए तो ये मेरी शादी में, में मेरी मम्मी ने दिया था मेरे ननिहार की नत है हमारे यहाँ ननिहार से मिलती है मायके में तो मेरे ननिहार से आई थी तो मेरी शादी में गई थी तो मैं यहाँ पे नथ में और हस्बैंड से पानी डलवा रही हूँ जिसके हस्बैंड जैसे जॉब पे हैं या टाइम से नहीं आ पाए तो वो उसकी लेडीज से भी करवा सकती लेकिन मेरे हस्बैंड करवा चौथाले दिन तो इतने एक्साइटेड होते हैं मुझे शाम को छः बजे ले जाते दोबारा शॉपिंग कराने मैंने इसे इतना बोला कि मैंने एक चीज़ देखी है दुकान पर लेकिन मैं ले नहीं पाई टाइम नहीं है तो मुझे तुरंत लेकर करें आना तुम जल्दी तुम्हें तैयार होने से समय तो लगता नहीं है तुम फटाक से आना तैयार होने लगना तो मुझे लेके रहते दिल होने तो यहाँ पे और मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड भी प्राप्त रहते हैं दस सालों से और दूसरी चीज है कि करवा चौथ के दिन मेरा बर्थडे होता है मैं करवा चौथ के दिन पैदा हुई थी तो समझ लीजिए दो दो बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होता पहले मेरी मम्मी करती थी अनेक प्रकार के खाना बनाती थी इतने अच्छे अच्छे और यहाँ पे तो दो साल से तो मेरे हस्बैंड बनाने ही नहीं देते हैं। रहते कहते मैं ख़ुद ले आऊँगा तुम ब्रैड भी हो फिर बनाओगी भी तो यहाँ पे खुद ही ले आते हैं खाना तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पानी डालते हैं और यहाँ मैं सुशीख से पानी देती हूँ चंद्रमा को फिर आते हैं घर पर हम लोग मतलब दूसरे की छत्ती इसलिए हम लोग वहाँ नहीं करते हैं और मेरे माइक में भी मेरी भाभी लोग कह रहे थे दीदी यहाँ से करो लेकिन मैं माइके में कभी आज तक दस साल हो मैं कभी माइक नहीं गई चार पाँच साल अपनी जठानी के साथ पूजा फिर वो छत ऊपर होती थी तो यहाँ पर नहीं पूछ पाई थी कहाँ अगर मेरा पेट में था तो मैं चढ़ नहीं पाई थी तो फिर मेरा वहाँ जाना ही बंद हो गया और यहाँ ये मुझे मिठाई चलाए थे लेकिन मैंने मना कर दिया और मिठाई भी हम लोग खा सकते हैं क्योंकि ये प्रसाद में जाती है मिठाई भी चढ़ती है आपकी क्षमताओं आप सब चढ़ाइए और अगर आपकी क्षमता ना हो तो बिल्कुल मत चढ़ाइए चढ़ा के पूजा कर लीजिए और हमारे मेरे हस्बैंड तीन मिल की मिठाई लाए थे छेने का रसगुल्ला लाए थे मेरे लिए तो यहाँ पे मेरे नाक पर सिंदूर गिर गया मैंने से, से लगाना तो ये बोले कि मैं आराम से ही लगा रहा हूँ ये मेरी शादी का सिंदूर इसमें आज भी है मेरी चाची बोलती हैं कि नाक पे सिंदूर गिरता है तो हस्बैंड बहुत प्यार करता है शुभ माना जाता है तो यहाँ पे ये मेरा व्रत खुलवा रहे हैं पहले तो मैं इनका खुलवाती हूँ फिर ये मेरा व्रत खुलवाते हैं तो जब मैं इनके पैर छोड़ी थी तो ये वीडियो में मतलब मिठाई दिखा रहे हैं कि हाँ मैं मिठाई खा रहा हूँ तो इन्होंने मेरा व्रत खुलवाया तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि मेरे चाची का कहना है कि सिंदूर अगर नाक से गिरता है तो शुभ माना जाता है फिर यहाँ पर मैं शाम को मतलब तैयार होने से पहले मैंने कलर लगाया था पैरों में रंग लगाया था तो मैंने उसका वीडियो बनाया था रंग लगाने का माहौल लगाया था तो यहाँ पे मैंने उसका भी वीडियो डाला और मुझे तैयार होने में इतना समय नहीं लगता मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ और मुझे करना ही क्या था खाली क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगानी थी और क्या करना था और वगैरह मैं ये सब लगाती नहीं हूँ क्योंकि भाई बहुत ही क्लोज़ शादी वगैरह हो तो मैं मेकअप करती हूँ वर्षा मैं नहीं करती और थोड़ा बहुत फिल्टर से मेकअप चल जाता है तो यहाँ पर मेरी पूर्वी ने वीडियो बनाया था और हस्बैंड जाते खाना लेने तो यहाँ पर मैं सुना चुकी थी मुझे एक कथा आती है और जब मेरी मम्मी बात रहती थी तो मैं कभी कभी सुनाती थी लोगों को लेडीजों को तो वो कथा मुझे आती है तो यहाँ पे मैंने सुना दी थी फिर दो कथा हो गई थी कंटिन्यू सुनाई थी तो चंद्रमा निकल नहीं आते टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था तो यहाँ पे यह हुआ कि चलो दीदी थी अंजलि बोली लेकिन फोन से देख के आप सुना लो तो मैं फोन से देख रही थी तो वही कहानी थी जो मैंने सताना बहन की कहानी सुनाती थी, थी पहले ही तो फिर आंटी बोली बेटा कोई नहीं आधी हो गई सुना दो कोई नहीं तो यहाँ पे पहले शाम को मैंने चौक बनाई थी ये पूरी जो चौक बनी है पूजा की ये मैंने ही बनाई है ये सब पहले मैं अपनी मम्मी के लिए करती थी अब मैं अपने खुद के लिए करती हूँ और किसी को आता भी नहीं है वहाँ पर तो अंजलि बोली दीदी तुम बताती जाना मैं आपकी हेल्प करा दूँगी तो चावल के आटे से मैं बनाती जा रही थी और आलता से अंजलि उसको अंडरलाइन करती जा रही थी तो मैं जैसे जैसे बनाती गई अंजलि भी बनाती गई और यहाँ पर बारी आई मेरी मेहंदी की बस एक मिस्टेक हो गई मैं सी एच गई या मुझे स्पेस नहीं मिला क्या था क्या नहीं ये मुझे नहीं पता लेकिन मैं नहीं लिख पाई और जल्दी बाजी में लगा रही थी मुझे मार्केट भी जाना था और मैं मार्केट भी नहीं गई और मेरे घाई बहुत गुस्सा किया ना तुम मार्केट गई हो और ना तुम बाहर मंडी लगवाई हो तो चल मही का तो कोई दिक्कत ही नहीं था इशू नहीं था मुझे खुद इतनी अच्छी लगानी आती है लेकिन मैं मार्केट भी नहीं गई थी कलर मेरा इतना अच्छा भगवान इतना प्यारा कलर डार्क कलर आया था कि मैं आपको क्या बताऊँ यार इतना अच्छा कलर आया था फिर आती मेरे गिफ्ट की बारी तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे और करवा चौथ का गिफ्ट था मतलब मुड़ी है कभी आया गिफ्ट कभी नहीं आया ऐसा नहीं है कि हर साल देते हैं ऐसा कुछ नहीं है हर नहीं देते हैं कभी देते हैं कभी, है, कभी नहीं देखते जैसा उनका वो पता है वैसे ही कर पाते हैं वो और दिखावा हम लोग नहीं करते कि हाँ दिखावा करें या झूठ बोले झूठ भी नहीं मैं बोलती मुझे झूठ बोलने क्या मतलब है क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे ब्लॉग्स और वीडियो देखते बोझा कहेंगे यार तुम झूठ क्यों बोलती तो अच्छा नहीं लगेगा ना आप सबकी नज़रों में गिरो लेकिन पति की और माँ बाप की नज़रों में कभी मत गिरो ना अपने बच्चों की नज़रों में गिरो तो क्या मेरे हस्बैंड इतनी महंगी मुझे ड्रेस दिला सकते हैं मेरे कहने से मुझे इतनी सारी चीज़ें दिला सकते हैं तो वो क्या मुझे मेहंदी ना लगवाते लेकिन मुझे नहीं लगवानी थी तो उस पर भी बड़ी टिप्पणियाँ होती हैं लोग टिप्पणियाँ करते हैं तो भाई मुझे बहुत सुंदर मेहंदी लगानी आती है बहुत अच्छा मेकअप भी करना आता है अगर कराना हो तो आ जाना मेरे से करा लेना थोड़ा अच्छा हो जाएगा जो बच्चा को है तो यहाँ पे फिर से लग रहा है मैंने भी में बना ली तीन बार मेरा कुछ हाँ जरा लास्ट में मैंने इसको बांध लिया आंटी बोली बांध लो क्योंकि लहंगा सूट था ये लहंगा नहीं था कि मैं बगल में इसको घोस लेती तो यहाँ पे लहंगा सूट था ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी भाई जब मैं पहन के निकली थी ना तो मतलब ये बोले चांदी यही लो यही लो यही लो लेकिन पूजा में ना थोड़ा सा डार्क कलर था थोड़ा तो और लग रहा था लेकिन सब लोग बोले कि आप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पहन सकते बट आप कोई भी कलर पहन सकते हैं पूजा में तो यहाँ पे फिर मैंने ये लिया और मेरे यहाँ शादी भी है समझ लीजिए एक कार्ड अभी आ भी गया है मेरे यहाँ शादी है दीपावली के बाद से शादी यहाँ काफ़ी है तो मेरे हस्बैंड छत पर देख रहे थे फिर फाइनली चांद दिखा तो इन्होंने वीडियो बनाया थोड़ा जूम करके और मैंने इंस्टा पे इसकी रील भी बनाई है और नीचे मेरे बच्चे और भी बच्चे सब पटाखे रहे थे क्योंकि छत पे मैंने मना कर दिया था मैंने हम लोग बैठे हैं और पटाखा मतलब छटक के आ भी सकता है तो फिर इन्होंने भी मना कर दिया था बच्चों को तो सारे बच्चे नीचे चले गए थे फिर हम लोगों ने मतलब वथा संपन्न की पूजा संपन्न हुई हवन किया आरती किया आरती होती है गणेश भगवान की क्योंकि चौथ है तो चौथ जो होता है वो गणेश जी का होता है और करवा माता होती है अगर जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल पर जाकर सर्च करें करवा माता की कहानी और यहाँ पे सातों सीख से आपको चुन्नी या नाक की जो नथनी होती है उससे आपको पानी देना होता है और एक लोटा आपको अलग रखना पड़ता है गौर रखना पड़ता है गौर से आपको सिंदूर लेना पड़ता है फिर देना पड़ता है तो और जैसे कि करवा था तो देवरानी जेठानी बदलती पहले मैं अपनी जेठानी के साथ रहती थी तो बदलती थी फिर मैंने ना अंजलि सर मैंने बदल लिया था दोनों ने नहीं तो गौर से बदल सकते हैं आप और लोटे से भी बदल सकते हैं ऐसा कुछ रिचुअल्स होता है तो करवा बदला था फिर हम लोगों ने लेकिन जितना भी लोग बना पाए इन लोगों ने बनाया और मेरे हस्बैंड को ना मैंने तो बोला ही नहीं था मुझे तो करवाओ नहीं डालना था लेकिन जब ये था तो मैंने सोचा चलो डाल ये मैं पूजा करने बैठ रही थी ये देखिए यहाँ पे चंदा सूरज तारा और एक आदमी भी बनता है नाव बनती काफ़ी चीज़ें बनती हैं और करवा रखने के लिए भी बनता है तो यहाँ चावल के आटे और आलता से बनाया गया है और जैसे अगर आप चावल का आटा एक दो लोग पूज रहे हैं तो चावल का आटा और आलता से ना बना के आटे से भी आप लोग चौक बना सकते हैं तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही किया हुआ था फिर यहाँ पे आंटी है आंटी की तीनों हुए है, मैं हूँ और यहाँ मेरी पूर्वी ने पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनाया तो आई होप अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा करिएगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा यहाँ पर्वी ने थोड़ी बहुत अपनी कारीगरी दिखा दी है और आपको मेरी ड्रेस मेरा मेकअप एंड मेरा लुक और मेरी मेहंदी कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब वो सॉरी सब्सक्राइब बोल दिया प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा इतनी स्पीड मेरी है क्योंकि मैंने इतने साल पढ़ाया है बच्चों को तो स्पीड मेरी बन गई है तो मेरी टाइपिंग स्पीड और आ, बोलने की स्पीड काफ़ी तेज है तो मुझे ना स्पीड में बोलने की आदत है तो बस यही था कि मेरे को ना स्कूल में पढ़ा ला के ट्यूशन बच्चों को पढ़ा पढ़ा के स्पीड, स्पीड तेज हो गई यहाँ मेरी पूर्वी ने इतनी कारीगरी करी इतनी कारीगरी करी कि क्या क्या वीडियो है ये सब जो आपको फिल्टर्स वाले वीडियो दिखाई है मेरी पूर्वी के हैं विदाउट फिल्टर्स वाले वो मेरे हस्बैंड ने बनाए अबा इतना मजा आया ना कि क्या बताऊँ मैं तो मेरा तो हसबैंड ना मेरा तो तुमसे बहस हो गई थी आज इसलिए करना चाहता लेकिन अब वो मेरे से यही बोल रहे हैं कि अब तुम अपने मन की करना मेहंदी लगवाने के लिए बोला तो नहीं नाटक तो मैं बहुत रहते हैं